प्रथम पूज्य गजानन गणपति का गणेशोत्सव पर्व आरंभ हो चुका है। प्रदेश के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों सहित उमरिया जिले के पाली नगर में भी चुनिंदा जगहों पर गणपति जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा आराधना की जा रही है। गणेशोत्सव पर्व के दौरान पाली नगर में इस बार गणेशोत्सव फीका नजर आ रहा है। नगर के प्रमुख स्थल पीपल गणेशोत्सव समिति, साईद मंदिर सेवा समिति, 11 गणेशोत्सव समिति, बाबू लाइन गणेशोत्सव समिति द्वारा प्रमुख रूप से गणपति जी की प्रतिमा स्थापित कर सुबह शाम पूजा आराधना व आरती की जा रही है। कोरोना काल के मद्देनजर प्रशासन ने इस बार सख्त नियम बनाए हैं, जिससे नगर के प्रमुख चौराहे तिराहे सहित सार्वजनिक स्थलों में गणपति जी की प्रतिमा स्थापित नहीं कराई गई है। प्रशासन के निर्देश का पालन कर लोग प्रथम पूज्य गजानन की पूजा आराधना कर रहे हैं। वहीं नगर में अधिकांशतः लोग अपने घरों में प्रतिमा स्थापित किए हुए हैं, जहां परिवारजनों के साथ आराधना कर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस बार गणपति पंडालों में ना तो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ना ही प्रतिदिन भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। नगर के धर्म प्रेमियों ने कहा कि भगवान की कृपा से कोरोना रूपी महामारी का जल्द पूर्णतः खात्मा हो, जिससे आगामी वर्ष में पूर्व की तरह भव्य झांकियां सजाकर विधिवत उल्लास के साथ गणेश उत्सव मनाया जाए। गणेश उत्सव समितियां थी, उतनी ज्यादा मूर्तियां पाली में स्थापित नहीं है, और जहां पर स्थापित भी की गई हैं वो उतने वृहद रूप में नहीं है, क्योंकि शासन की कोरोना की गाइडलाइन है। इस कारण से जिस भव्यता से कार्यक्रम पाली नगर में होता था वो इस साल नहीं हो पा रहा है। जैसे जगह जगह बच्चों के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, प्रतियोगिताएँ, डांस कम्पटिशन होते थे, वो सब लोग नहीं कर पा रहे हैं। और चूँकि प्रथम पूज्य श्री गणपति की पूजा सभी को करना है, तो लोग अपने यहाँ घरों में मूर्ति रख के उस लोग गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। और चूँकि कोरोना का जो अभी मीटिंग में गाइडलाइनें दी गई हैं उसके हिसाब से ये है कि आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना है, और जुलूस भी चूँकि नहीं निकल पाएगा, जैसे कि जो अपने को मूर्तियाँ विसर्जित करना है उसके लिए भी कुंड की व्यवस्था की गई है। कई गाइडलाइनें हैं जिसके कारण जिस भव्यता से लोग मनाते थे, मैं गणपति महाराज से यही प्रार्थना करूँगा कि जो ये कोरोना का कहर है कि जल्द से जल्द समाप्त हो। हर वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी हम लोग गणेश पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए हैं, किंतु कोरोना की महामारी के कारण इस वर्ष कार्यक्रम सरकार के नियमानुसार हमने बहुत फीके और बहुत सरल तरीके से रखे हैं। प्रभु से हमारी कामना है, विघ्नहर्ता है प्रभु, इस कोरोना महामारी को हरें और फिर से पूरे समाज में, देश में, विश्व में एक खुशहाल वातावरण सुनिश्चित कराएं, जिससे कि हम सभी लोग फिर से एक खुशहाल और आज़ादी की हवा में अपना जीवन जी सकें। इस बार गणेश उत्सव काफ़ी फीका समझ में आ रहा है हम लोगों को भी, और पहले काफ़ी जगह चौराहे में और अपने गांव में सभी जगह गणेश की प्रतिमाएं रखी जाती थी काफ़ी धूमधाम से, और काफ़ी तरीके से सब लोग इस त्यौहार के लिए इंतज़ार करते थे और मनाते थे। इस बार सभी जगह फीका फीका लग रहा है, कुछ कोरोना के कारण, और शासन की गाइडलाइन भी काफ़ी सख्त है यहाँ पर और सभी जगह है। 14-15 सालों से रख रहे हैं हम लोग यहाँ गणेश जी, और यहाँ 11 गणेश के नाम से है, वार्ड नंबर 11 है ये, और यहाँ दोनों टाइम पूजा आराधना अच्छे तरीके से होती है। बाहर से झांकी अभी आती थी, लेकिन इस बार कुछ नहीं करवा रहे हैं कोरोना काल की वजह से। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बिरसिंहपुर से तपस गुप्ता की रिपोर्ट।